नमस्कार टॉप 5 बुलेटिन को आपन को स्वागत करूछि मु बंदिता वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण खबर दिल्ली गस्तरे अछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं एही गस्त काल रे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात करूछंती ममता दीदी यहा को नै आरंभ होई जाइछि चर्चा आलोचना कारण ई 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक रे जोग देबे मनरेगा एवं जीएसटी बकेया नै पीएम मोदी को सह दीदी आलोचना करिवार सूचना अछि एहा मध्यरे पश्चिमबंगर हेवीवेट नेता पार्थ चटर्जी ईडी स्कैनर को आसीबा परे दीदी भी बैकफुट रे अछंती ए दिल्ली गस्तरे ममता मोदी को सह कोन चर्चा करिवे ता उपरे भी चर्चा आरंभ हो जाई छी ए गस्त काल रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेटिबा कार्यक्रम थिबा सूचना मिली छी नीति आयोग बैठक रे मध्य ममता जोग देबे बैठक आगर मोदी को साक्षात नै वर्तमान चर्चा बढ़ी जाई छी मनरेगा जीएसटी बकेया नै आलोचना होई पारे एवं जेहेतु वर्तमान पार्थ चटर्जी केस को नहीं ममता बैकफुट रे अछंती तो क्यों क्यों प्रसंग रहुची कि भली भाबरे से प्रसंग प्रेजेंट होउची ता उपर समस्त को नजर रहुची किंतु आज जो कार्यसूची अछि राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेटिबे ममता खबर को आसीबा सामान्य बचसारु हत्या प्रतिशोध नेला डंपर ड्राइवर गाड़ी मड़ाई माझंकु करिछि ट्रक ड्राइवर अमर स्वाई हत्या एवं ए सब कथा से निजे स्वीकार करिछि जतबेले ताकु अटक रखी जेरा करा जाइथिला जाजपुर जिला बरडा छक दुर्घटना पछरे छाती थरा तथ्य सामना को आसीबा परे होइछै ड्राइवर नारे हत्या मामला रुजु करी पुलिस अमर को गिरफ करी कोर्ट चालन करिछि एतिस घटनार अधिक तदंत चलाइछि जेनापुर पुलिस सेपटे स्थानीय लोकों कहिबा कथा पूर्व अनेक थर अमर झीव मानकु कमेंट मारुथिबा ने अभियोग रहिथिला ए घटना रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई दाबी करिछंती लोके सेपटे न्याय मागिछंती मृतकों परिवार यार प्रकृत इंक्वायरी करी पुलिस डिपार्टमेंट सत्यासत्य बाहर करी एवं उपयुक्त जे अमानुषिक भाव ड्राइवर कार्य काम करिजी ताकू माने उपयुक्त माने सजा दंड ताकू दिया जाऊ एवं कठिन रु कठिन दंड दे ताकू दरकार पड़े फांसी खुंट झुलई दिया जाऊ एवं एहिपरि माने ड्राइवर मानक तदंत करी तांकर जो लाइसेंस को मध्य तांकू कैंसल करा जाऊ आउ कले एहिपरि भाव रे भविष्य रे अलग कहार हम ना अलग कई असुविधा पड़े नहीं अधिक आलोचना करिबा जाजपुर प्रतिनिधि सुजित मल्लिक अछि तामस्त फोन लाइन रे सुजित वर्तमान घटनाक्रम एवं जाजपुर रो स्थिति कोन केमति अछि ए शोकाकुल परिवेश परे वर्तमान से माने दाबी कोन करूछन्ति देखंतु बंदिता जो जेभळी भाबरे घटनाटी घटितला एवं उद्देश्यमूलक भाबरे प्रतिहिंसा परायण है कि ड्राइवर जनक माध्यम को हत्या कर अभियुक्त अमर स्वाई जे ट्रक ड्राइवर ताको गिरफ्त करथिला एवं गिरफ ड्राइवर को आज अपराह कोर्ट चालाण कर कोर्ट रे मध्य जमीन खारज होगापर ताकु विचार विभाग जेल हाजत को पठा जाए घटन जेहेतु प्रथम बचसा घटना को लेकिन घटना घटी बोली जना पड़ा पुलिस प्राथमिक तदंतर यहाँ हत्याकांड जना पड़ा तेणु पुलिस पक्षर हत्या मामला रुजु आसामी की गिरफ्त करवर्त समय तार घटनास्थल जो प्रथम आरुआ छक जो घटना घटी बचसा उभय पक्ष मध्य घटी से जगह एवं जोटी दुर्घटनास्थल बरडा छक दुईट जगह जगह को लेकिन पुलिस अभियुक्त को लेकिन से डेमो करवर्त समय डेमो पर ड्राइवर मध्य स्वीकार कर हत्या कर घटना संपर्क स्वीकार करवर्त समय पचरा उचरा करापर पुलिस गिरफ अभियुक्त को कोर्ट चालाण करवर्त समय रिमांड आनी अधिक तदंत कर संभावना रही सुजित जो पूरा घटना थिला एवं स्थानीय लोक माने मध्य अभिजो करुछन्ती पूर्वरु बी कमेंट मारुथिला अमर समस्त को तो यही घटना केते गुरुतर होई पारे जने ड्राइवर केते निष्ठुर होई पारे ता यही घटना स्पष्ट होई पारछि निश्चित भाव बंदिता ये जो ड्राइवर जनक अमर साई से पाखरे तोटा कौन बोली गोटे गाँ रही जेनापुर थाना अंचल घर से आरुआ अंचल भड़ा घरे रही गाड़ी चलाचल कर बारंबार तार विभिन्न समय विभिन्न आलिगेशन आसुला विभिन्न जगार कमेंट पास करवाठ आरंभ कर विभिन्न गंडगोल सृष्टि करवा कल स्वभावर गंडगोल स्वभावर बोली जना पड़ा लोक मैंने घर छाड़ा बारंबार दाबी करुले आज घटना घटापर
किभली विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुषान एवं ता ड्राइवर जो लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस जो रही किभली खारज कर स्थानीय लोक मैंने दाबी जनई बिल्कुल धन्यवाद सुजीत सविशेष आलोचना पाई लोक माने मध्य दाबी करिछन्ति एवं परिवार मध्य दाबी करिछि कि उपयुक्त न्याय मिलु एवं दोषी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान हो कहीं दृष्टांत यही दृष्टांतमूलक पदक्षेप गोटे नेबार आवश्यकता रही कि जो ड्राइवर केते निष्ठुर हो पाए भूल तांकर अच्छी किंतु भूल परे भी एत निष्ठुरतार सह दुई जन को बर्बर चित जो हत्याकांड भियागला गाड़ी मड़ाई से हत्या करागला निश्चित भाव में दंडनीय बोली समस्त मत प्रकाश कर परवर्ती खबर को आसिबा पारादीप पोर्ट रे प्लॉट पाई लांच कारबार मामला रे सीबीआई रो बड़ कार्यानुष्ठान जेरा परे चार जन को बांधिला सीबीआई ओएसएल रो डीजीएम ऑपरेशन सूर्यनारायण साहू पारादीप पोर्ट ट्रस्ट रो चीफ मेकानिकल इंजीनियर सरोज कुमार दास केसीटी ग्रुप रो मैनेजर पोर्ट ऑपरेशन शंखसुभ मित्र पारादीप पोर्ट रो ठिका कर्मचारी सुमंत राउत को गिरफ करा जाय छि तबे सेमानक निकट रु 84 लाख रु अधिक टका जब्त होई छि समस्त चार अभियुक्त को गिरफ परे कोर्ट चारण करा जाय छि रिमांड रे अधिक पचरा उचरा करबा को आनी योजना रही सीबीआई पक्ष सूचना मिली एही मामला रे विशिष्ट शिल्पपति महिमा मिश्र पुओ चर्चित मिश्र भी अभियुक्त अछंती गतकाली सीबीआई रेड बेले महिमा बड़ पुओ चंदन को पचरा उचरा करा कटक ओडिया बजार स्थित बासभवन में पचरा उचरा करथिला सीबीआई ए मामलार अधिक खोलताड़ जारी रही सरोज नियमित भाव लांच नहीं पोर्ट कार्गो अपरेट करुवा और संस्था को अहेतुक अनुकंपा देखा अभियोग अच्छी अभियोग अनलोडिंग कला बेले ओएसएल रो पारादीप पोर्ट रो कन्वेयर बेल्ट को क्षति होता यार मरामती अत्यधिक व्ययबहुल मरामती पारादीप पोर्ट रो सीएमई दुई मध्यस्थी द्वारा 60 लाख टंका मागिथिले एही बाबदरे 60 लाख टंका सरोज ओएसएल को सुमंत जरिया मागिथिले सुमंत कटक 25 लाख टंका नहीं सीएमई को देवा को आनीथिला किंतु सेथिरु निज पाखरे 10 लाख टंका रखिथिले एही 10 लाख एक रियल इस्टेट पई आनीथिला एही टंकारे भुवनेश्वर एक फ्लाट सरोज दास को पई बुक होइथिला सुमंत को धरिबा परे ता पाखरु 5 लाख टंका जबत होइछि परे जांच बेले अधिक 18 लाख 30 हजार टंका मिलिथिला जांच समय रे 20 लाख 25 हजार टंका ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट कागज जबत करिथिबा तथ्य मिलिथिला सेपरि सूर्यनारायण साहू को ठारु 41 लाख टंका जबत करिछि सीबीआई गतकाली दिल्ली सीबीआई टीम महिमा मिश्र घर पारादीप पोर्ट ऑफिस और ओएसएल कार्यालय चढ़ाऊ कर अधिकारी और कर्मचारी को पचरा उचरा करथिला मु जानिनि बापा मु जानिनि गले कथा हेले जाना पडिवो ना सर आपन को फोन करी डाकला नाही गोटे नोटिस दे सर गतकाली आपन को पचरा उचरा करथि को बाबा नै पचरा उचरा करनी ओएसएल ऑफिस रे किमा गेस्ट हाउस नै नै सर गतकाली घटना माने किछि दुकाई छि कि हेथिओ गो निश्चय नल काई डाक के सर सर छाडा ना बाबा मु कथा हेले लास्ट सर गोटे कोन कहौ छि 25 लाख टका को लेके सब छि मुझ जानी कि मानने बेनियम काम है नहीं के देखा जाओ सर भरोसा 100% एनेक अधिक आलोचना करबा सीधा सड़क जीवा प्रतिनिधि दीपक सामल निकट को दीपक वर्तमान अपडेट टी आप जानवा को चाहिए देखु 25 लाख टंका लाच नवे जो मैंने गिरफ होते 4 जन से मधर 3 जन को रिमांड आनी सीबीआई टीम तेबे उभय जो 3 जन रिमांड आछंती समाने आसंता 9 तारीख पर्यंत सीबीआई हेफाजत रहिबे विशेषकर जो 25 लाख टंका लांच कारबार होता ए टंका कारबार रे केउ मानकर हाथ थिला एवं एचेर केउ जा लंबिची से सब जानिया पाई 3 अभियुक्त को रिमांड आनी सीबीआई टीम तेबे गिरफ 3 अभियुक्त हेले सरोज दास सूर्यनारायण साहू एवं सुमंत राउत ए 3 जन को रिमांड आने पर विशेषकर आशा कराऊ 60 टंकार डिल 25 लाख टंकार लांच कारबार ये जो रैकेट थिला रैकेट आउ क्यों मैंने अच्छा विशेषकर एवं सुधा 4 जन को गिरफ कर सारी सीबीआई ता सहित शिल्पति मोहिया मिश्र और पुह को मध्य मुहांमुही जेरा करा चली तेणु ए रैकेट आउ क्यों मैंने अच्छा एवं खुलताड़ आरंभ कर सीबीआई टीम एवं जो 4 जन चर्चित मिश्र को नहीं किसी तथ्य आसला कि देखु ये घटन मोहिया मिश्र सान पु चर्चित मिश्र नाँ मामला रुजु कर सीबीआई जदिता से क्योंठ अच्छा किबा सीबीआई तांको जेरा करूची नहीं ए पर्यंत स्पष्ट होइनि किंतु तांकर बड़ पु चंदन मिश्र को मध्य सीबीआई जेरा करूची तेणु जिते चर्चित मिश्र नाँ मामला रुजु होइछि
हुए तो परवर्त मुहूर्त विरुद्ध में यथेष प्रमाण मिले सीबीआई तक गिरफ्त करपे कि सुधा जदि सीआई स्पष्ट करनी जे महिया मिश्र पुओ चंदन मिश्र और चर्चित मिश्र विरुद्ध में कौन सब मामला रुजु होवा से ना कौन सब अभोग स्पष्ट होनी। अच्छा महिमा मिश्रंकर पचरा उचरा समय सरलाणी कि नाही कोन कोन प्रश्न सेथिरे शामिल थिला सेने किछि सूचना मिलिछि कि दीपक देखंतु दिन 11टा समय रो महिमा मिश्र सीबीआई रे हाजर छंती पाखापुकी 6 घंटा हेलाणी महिमा मिश्र को जरा करछि सीबीआई रो स्वतंत्र टीम जदियो ए पर्यंत सीबीआई पक्षरु कोनोसी सूचना दिया जाय नाही जे केउ कारण पई किबा केउ लिंक पई महिमा मिश्र को सीबीआई जरा करछि जो 25 लाख टंका ठकई हि पा लालच कारबार होइतला से अभोग जेरा कर सीबीआई तेरे क्यों क्यों दिग विशेषकर जो टंका लाच कारबार होता ता तो मुख्य दिग ता सहित तो ये जो रैकेट चल किंवा ये जो टंका कारबार होता एम रिंक आउ क्यों मैंने अच्छा से सब दिग नहीं पचराउचरा केवल थे ना पूर्वर मध्य टंका कारबार कर पारादीप पोर्टर को से अख्तियार करते कौटि ना कौटि एवं सीबीआई जेरा कर तेरे कथा उठू जो दिल्ली में अभोग तेणु जो मैंने भी गिरफ्त होती से भुवनेश्वर सीबीआई कार्यालय रखा जाए अनुसार तेज चारज गिरफ्त कराई आगामी दिन में जो मान विरुद्ध में प्रमाण मिल गिरफ्त कर सीबीआई टीम तथापि तो दीपक दुई दिन में विभिन्न अंचल घंटा चकटा कर सारे सीबीआई भी बहुत अंचल रेड कर सारे से नहीं कि पचराउचरा बहुत जन को सारे आगामी समय रे सीबीआई तरफ समिति की सूचना मिलू के रेड करमी स्कानर में क्यों मैंने अच्छा निश्चित भाव में कटक भुवनेश्वर जगत सिंहपुर पारादीप ये सब जिला मानक विशेषकर 15 स्थान में सीबीआई चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ बेले सुधा जहाँ जमापड़ी 85 लक्ष टा जबत कर तेरे एवं भी आहरी अनेक किसी स्थान में चढ़ाऊ चली विशेषकर भुवनेश्वर में चढ़ाऊ चली जदि भुवनेश्वर के चढ़ाऊ हो सीबीआई स्पष्ट करनी तेणु जहाँ सूचना मिली बोधुए जो चारज गिरफ होती लिंक जो मैंने से घर और विभिन्न कार्यालय में सीबीआई चढ़ाऊ करपटे जो मैंने गिरफ होती चारज से आकाउंट छाणबीन हो विशेषकर जो टंका ट्रांजाक्शन से टंका ट्रांजाक्शन को आधार कर सीबीआई तदंत कर तेणु परवर्त मुहूर्त में जो मानक विरुद्ध में प्रमाण मिल तदंत परिसरभूत कर सीबीआई और आवश्यक पड़े गिरफ्त करपे कि सुधा ता सीबीआई स्पष्ट करनी जे चारि व्यतीत आउ क्यों अच्छा जो बहिया मिश्र पुओ को जेरा कराऊँ लिंक आउ क्यों अच्छा स्पष्ट कर बिल्कुल धन्यवाद दीपक सविशेष आलोचना 6 घंटा समय हो 6 घंटा हेलाणी महिमा मिश्र और पुओं को जेरा चली अंपटे जो चारज को आरेस्ट कर पूर्व सीबीआई तरफ से तीन जन को वर्तमान रिमांड अणा जामान लिंक में क्यों मैंने अच्छा से सबू नहीं भी खोलताड़ कर सीबीआई दरदाम वृद्धि प्रतिवादरे देशव्यापी कांग्रेस प्रतिवाद संसद आरंभ कर संसद बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर दल संसद भवन बाहर विक्षोभर नेतृत्व नहीं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी कांग्रेस सांसद माने ब्यानर धरी विक्षोभ प्रदर्शन करपटे दल पक्ष एक विशाल रैली आयोजन कर राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री बासभवन घेराव अभिमुखे बाहरी रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांग्रेस संपादिका प्रियंका गांधी समेत बहु नेता सामिल होते तेरे राली में जाता बेले कांग्रेस नेता और कर्मी पुलिस धस्ताधस्ति होता पुलिस ब्यारिकेड देवाक उद्यम करते प्रियंका गांधी यापर ता राहुल को उठाई नहीं दिल्ली पुलिस खाली नुआ दिल्ली रे नुहे देशर विभिन्न राज्य में भी जोरदार आंदोलन करेस वर्तमान सरकार मनमानी करण लोकों कथा भूलीगले महंगा माड़े मध्यवित्त अंटा भांगिगला इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है इतनी महंगाई है चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो सब तरस रहे हैं सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले उनके लिए महंगाई तो है नहीं उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्त
परवर्ती टॉप खबर को आसिबा ताइवान को नहीं मुहांमुही विश्वर दुई महाशक्ति समुद्र रे चीन एवं अमेरिकार समर सज्जा उभय जल एवं स्थल भाग रे देखाउछंती पराक्रम गोटेपटे युक्रेन एवं रुषिया मध्यरे युद्ध अवसान घटिनथिया बेले आउ एक युद्धर घनघटा सामनारे जदि यह युद्धर रूप निए तेबे तृतीय विश्वयुद्धर आशंका को एड़ाई दिया जाई न पारे। ताइवान को नानसिक गस्त पर रक्तमुखा होइछि चीन। ताइवान दा चारिपटु घेराबंदी करी तुहा को तुहा क्षेपणास्त्र माड़ करी चालिछि चीन। गुळीगोळा बर्षण मिसाइल माड़ सांग को बालिस्टिक क्षेपणास्त्र माड़ करी युद्धर घनघटा सृष्टि करिछि चीन। ताइवान आकाश भितरे पसी चक्कर मारिछि चीन रो लड़ुआ विमान। चीन रो फाइटर जेट गुड़िक केतेबेले ताइवान सीमा भितर को पसी आसछंती त पुणी पळाउछंती। एभरी करी ताइवान को उस्काउछि चीन। सेपट ताइवान कहिछि चीन रो एही समराभ्यास जातिसंघ नियम रो उल्लंघन। तबे जहां वर्तमान अपडेट होउची चीन रो 69टी विमान ताइवान रे प्रवेश करिछि एवं ताइवान रे युद्धर घनघटा ताइवान को उस्काउथियो भले स्थिति चीन रो लगातार भाबे सामना को आसी चालिछि। एनिक अधिक आलोचना करबा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ कमलाकांत दास अछन्ति हम सहित फोन लाइन रे। सुक्त दास आपनको स्वागत करछु न्यूज एट नोडिया को। आपनको कोन अनुमान गोटिए युद्ध सहित वर्तमान सारा विश्व अवगत एबे ए जो स्थिति दुई दुईटी महाशक्तिर समर सज्जा मुहांमुही भलिया स्थिति ए समय रे कोन अनुमान आपण को अनिश्चित भाव रे क्रिएट करने चेष्टा करती चाइना किंतु आम को देखार अच्छे जे चाइना को जणा अछि कि नहीं युद्ध रो भयावह परिणाम कोन हो। चाइना निकट अतीत रे बड़ युद्ध किसी फाइट करी नहीं देह बल देखुची राजनीति आ अर्थनीति द्वारा एक प्रकार समर सज्जा को प्रस्तुति करुची ता द्वारा चाइना ही एक प्रकार विपद को डाकुची अंचल को एवं सारा विश्व को यहाद्वारा वर्तमान चाइना जानी आर्थिक और सामरिक स्थिति रे डिप्लोमेटिक स्थिति रे मध्य अमेरिका सहित लड़ेगा चाइना से सुबुद्धिर कथा हे दुस्साहसिक कार्यक्रम हम तार परिणाम चाइना को प्रथम भोगे पड़ो तापरे ताइवान को तापरे अमेरिका को तापरे सारा विश्व को भोगे पड़ो तो चाइना जी चाहती विश्व विश्व स्तर में 2050 सुधा एक छुपाद शासन डेवलप करने सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राष्ट्र हाँपी ताली सात हे तेणु चाइनार जो बाहुबल आहबल आ शक्ति प्रदर्शन ताइवान में देखु यह ताइवान को डरेवा और ताइवान को विकतवा छाला उद्देश्य ना कारण चाइना को जना अच्छे अमेरिकार प्रत्यक्ष परोक्ष कौन प्रकार सामरिक युद्ध केवल ताइवान प्रसंग नुह आम परवर्त समय देखिले चीन जो समराभ्यास चली जापान रो सीमा को मध्य अतिक्रम करुछि जापान रो बॉर्डर रे मध्य पड़ुछि एवं सेठाकर सरकार मध्य क्षुब्ध हेलेनी ए एक्टिविटी द्वारा निश्चित भावे सरकार जापान सरकार वर्तमान प्रस्तुत अच्छा कौन प्रकार युद्ध जब परिस्थिति क्रिएट हुए प्रतिरोध करने अमेरिका सरकार को ऑलरेडी अलर्ट जुड़ा जाए अमेरिका सरकार विभिन्न समय रे लगातार भाव रे वर्तमान मीडिया ब्रीफ करती चाइना के प्रकार धमक दे आश्वस्त कर एक चाइना पॉलिसी रे कौन परिवर्तन नहीं किंतु ताइवान सहित स्वाधीन भाव रे निरपेक्ष भाव रे आम संपर्क रक्षा कर चाइना अटकी पार ना चाइना अटकवा चेस्टा कले आम तार प्रतिबंध चाइना बर्तमान जो भाव ताइवान बिक्री चेस्टा करुद्धर संकेत आशा करे केवल शक्ति प्रदर्शन आ प्रकृत युद्ध क्वेट न कर। अच्छा श्रीयुक्त दास जदि भारत आभिमुख्य एवं भारत स्टैंड कथा को टिके आसीबा आमे युक्रेन युद्ध रे देखिले भारत कहा फोर रे गला नहीं किंतु मस्को को टिके परोक्ष समर्थन रहिला कैना मस्को सहित आमर रिलेशन अच्छी रुषिया सहित आमे टिके वर्तमान कौनसी ना कौनसी मात्रा आमे ता उपर निर्भर करुछे ए केस रे देखिले भारत स्टैंड को कोन केमती आपण देखुछंती देखु भारत वर्तमान मेजर कथा हो चाइना सहित भारत युद्ध करने प्रस्तुत ना रेडी करना चाहिए एक दु नंबर हूँ चाइना अमेरिका सहित द्वंद्व आसे भारत न्यूट्रल पोजिशन पुनर्वर रखा अपील कर शांति कारण भारत जान कौन युद्ध परिस्थित अर्थनैतिक स्थित भारत सबुठ शहे पाखापाखि 40 कोटी जनता किभली भाव में परिस्थितर सम्मुखीन भाव भारत जना कौन युद्ध आए कि भाव ग्लोबल सप्लाई चेन को आरंभ कर आर्थिक परिस्थिति इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबू कि भाव में
प्रभावित हम सब भारत को भले सूचना अच्छी तेनाली चाइना भले से जानते तेनाली भारत पोजिशन नंबर वन रही है न्यूट्रल रईटान वाच रीस को अपिल कर किंतु चाइना और आमेरिका विरुद्ध में विदेश नीति क्या समर्थन कला पर आम आशा करूँ जो भारत विदेश नीति क्या असर समर्थन कर बिल्कुल आशा तो सैया रही किंतु युद्धर परिस्थिति को परिस्थिति केते भयावह हो पारे ताहा तो समस्ते विश्ववासी वर्तमान अवगत हो सारे युक्रेन युद्ध को देखा पर युद्ध कही भी चाहती ना किंतु युद्ध नहे अपील रोच बर्तमान देशर धन्यवाद श्रीयुक्त दास समस्त आलोचन भाग नहीं राज्यगोष्ठी क्रीडारे भारतर जयजात्रा पारा पावरलिफ्टिंग रे भारत को प्रथम थर पर मिली स्वर्ण पदक हरियाणा सुधीर यही स्वर्ण पदक जीति क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर शुभेच्छा जनपरी दीर्घ 44 वर्ष पर राज्यगोष्ठी क्रीडारे लंग जंप्रु भारत को मिली पदक मुरली श्रीशंकर राज्यगोष्ठी क्रीडारे भारत ऐतिहासिक रौप्य पदक जीति लंबडिया भारतीय जातीय कीर्तिमान धारी श्रीशंकर 8.08 मीटर लंफ मारी द्वितीय स्थान रही ए पदक हासिल करनी से पंचम प्रयास मार्क छुईं स्वर्ण जीति बहामास नाइरिन लाक्वान 8.08 मीटर समान मार्क छुईंते भी द्वितीय श्रेष्ठ डिं श्रीशंकर पछरे पड़ रौप्य संतुष्ट रही 23 वर्ष केरली युवक श्रीशंकर प्रथम भारतीय पुरुष खेला भाव राज्यगोष्ठी क्रीड़ा लंबडिया रौप्य पदक जितार गौरव अर्जन कर सेपरि भारतीय पुरुष हॉकी दल वेल्स को 4-1 गोल रे सेमीफाइनल रे परास्त करी प्रवेश करिछे एवं एथिसा बॉक्सिंग रे 6 मेडल पक्का करिछि भारत बर्मिंगहाम रे चलीथिबा राज्यगोष्ठी क्रीडा रे भारत 6 स्वर्ण सह 7 रौप्य एवं 7 कांस्य पदक एपरि मोट 20 पदक हासिल करिछि राज्यगोष्ठी क्रीडारे भारतर जयजात्रा वर्तमान भी जारी रही भारत को एजाए 20 पदक मिली सारी जो कि 6 स्वर्ण अच्छी पारा पावरलिफ्टिंग रे भारत को प्रथम थर पर स्वर्ण पदक मिली हरियाणार सुधीर एक स्वर्ण पदक विजेता होती क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर शुभेच्छा जनाई पारा आथलेट्रे भारत को प्रथम पदक मिली दीर्घ 44 वर्ष पर राज्यगोष्ठी क्रीडारे लंग जंप्रु भारत को पदक मिली मुरली श्रीशंकर राज्यगोष्ठी क्रीडारे भारत ऐतिहासिक रौप्य पदक जीति लंबडिया जातीय कीर्तिमान धारी श्रीशंकर 8.08 मीटर लंफ मारी द्वितीय स्थान रही एक पदक हासिल करनी से पंचम प्रयास मार्क छुईं अंपक् स्वर्ण जीति बहामास नाइरिन लाक्वान 8.08 मीटर सामान मार्क छुईं भी द्वितीय श्रेष्ठ डिं श्रीशंकर पछरे पड़ रौप्य संतुष्ट होते 23 वर्षीय केरली युवक श्रीशंकर प्रथम भारतीय पुरुष खेला भाव राज्यगोष्ठी क्रीड़ा लंबडिया रौप्य पदक जितार गौरव अर्जन करपरी भारतीय पुरुष हॉकी दल वेल्स को 4-1 गोल रे परास्त करी सेमीफाइनल रे प्रवेश करी एथिसा बॉक्सिंग रे 6 मेडल पक्का करी भारत एवं भारतर जदि मेडल टाली को देखा मेडल सारणी को देखा 6 सुना स्वर्ण एवं ता सहित 7 रौप्य एवं 7 ब्रोंज पदक एमती टोटल 20 पदक वर्तमान भारत को मिल सारी राज्यगोष्ठी क्रीडारे 6 स्वर्ण 7 रौप्य और 7 कांस्य पदक मोट 20 पदक हासिल करी भारत ऑस्ट्रेलिया सर्वाग्रे अच्छी 51 स्वर्ण 42 रौप्य 39 ब्रोंज पदक सह मोट 132 पदक तातलकु इंग्लैंड अच्छी 42 स्वर्ण 44 रौप्य और 32 ब्रोंज पदक सह 118 पदक हासिल करी इंग्लैंड भारत प्रदर्शन वर्तमान बहुत भल रही समस्त प्रशंसा करपटे प्रथम जमी देखा मिलला प्रथम बॉक्सिंग रे बहुत गुड़े पदक सामना को आसला और परवर्ती समय आवर्ण पदक नहीं आशा रही भारत रा।